एक दिन मम्मी आई खेत में, ये गड्ढा इतना सारा गड्ढा पूरा हुआ, ये इतना आपने गलती किया है तो गलती का आपको सजा मिले। झोला लेने पहले नहीं कर रहा क्यों लेने के लिए बैगन आलू 20 रुपया, गोभी 20 रुपया, बढ़िया बात। आज 29 तारीख होगा, खेत बोआया हूँ हमारा, 3-4 दिन गया हूँ, देखा हूँ कुछ उसमें उगा उगा नहीं है। आज चलते हैं, उगा उगा नहीं है, उगा नहीं है। कब का कहते हैं ये बताइए। अभी बीज जो है बीज में अभी उपज नहीं आया, उसमें अखुआ नहीं आया है। हाँ दोस्तों, बीज में अखुआ नहीं आया है, क्यों जानते हैं ना, अखुआ अंकुरित होता है, अंकुर उसमें भी नहीं अंकुरित हुआ है, गेहूं भी अंकुरित हुआ नहीं है। 3-4 दिन गया देखा कुछ हुआ नहीं, आज फिर चलते हैं चेक करने के लिए। 10 बजने वाले हैं, बाहर धूप कैसा है देखें। हाँ ओ बाहर धूप तो अच्छी हो गई है। ओ क्या बात है, पैदल ही चलेंगे आज, बाइक से नहीं जाएंगे, बाइक पीछे रखा हुआ है। खेत जाने बड़ा मज़ा आता है। कुछ दिन पहले खेती मैंने करा छोड़ दिया था, अधिया पे बटिया दे दिया था, तो क्या हुआ कि जिसको मैंने दिया था बटिया के लिए, खेत चार कोना में होता है, किसी का भी खेत हो तो खेत के पश्चिम तरफ क्या होता है, एक छोटा सा तालाब होता है, और बरसात के समय में जो मेरा खेत है और तालाब है क्योंकि बगल में ही है, बरसात के समय में मिट्टी धीरे धीरे खेत से हमारी तालाब में चली गई, और धीरे 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 लगभग यूँ कह लीजिए आप स्क्वायर फीट में बात करें तो स्क्वायर फीट में 8 फुट लंबा 8 फुट चौड़ा, ऐसे ऐसे करके सारी मिट्टी चली गई खेत में और मेरा खेत कम हो गया। अब ये सब तो देखते नहीं, जो बटिया को जिसको दिए थे वो अपना बोता रहा और जो अधिया होता है अधिया हमको दिया। एक दिन मम्मी आई खेत में, इस पर मम्मी ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग खेत को मिट्टी को पार दो और जो पैसा होगा हम दे देंगे, फिर गेहूं बुवाई करो। उसने कहा पहले पैसा दीजिए तब जाके आपका खेत हम वो पटवाएंगे और उसके बाद करेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है करो, उसके बाद मैं देता हूँ। ऐसे करते करते हो गया, धान का सीज़न ख़त्म हो गया, गेहूं का सीज़न आ गया। उसने कहा जब पैसा नहीं दे कहाँ करेंगे हम। इस तरह से कहीं होता है जब अधिया पे खेत दिया गया है तो क्या करते हैं, अधिया पे खेत जिसको दिया गया है, जिस तरह से खेत हमने दिया था तो खेत की रक्षा करना उसका काम है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो इंतज़ार में रह के पहले पैसा दीजिए तब करेंगे, अब ऐसे खेत पूरा छोड़ दिया। अब आगे अपने खेत में, हाँ वाह भाई क्या बात है, खेत में ये पाहा बन गया इस तरह से, पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा पाहा, मेड़ी जिसको कहते हैं छोटा छोटा। आज खेत की निगरानी के लिए आया हूँ तो चेक ही कर लें आज कितना तक अंकुरण कितना हुआ है इसमें। जहाँ पर खेत हमारा मिट्टी में गया है, ये देखो आप गड्ढा देख रहे हो, गड्ढा ये देखो, ये गड्ढा इतना सारा गड्ढा पूरा हुआ, ये इतना, और ये है तालाब, ये तालाब है, और ये सारी मिट्टी मेरे खेत की चली गई पूरा तालाब में, इधर से पूरा खेत खाली हो गया और यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा खेत है, उधर से ये यहाँ बीच में मेड़ी बोल दिया, मेड़ी डाल दिया। इससे हर वर्ष ये लगभग धीरे 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 5 साल हो गया ये खेती यहाँ से करता है, यहाँ से वहाँ। तो मम्मी देखी, मम्मी ने कहा कैसा है कि खेत रहने तुमको बोने के लिए, तुम जो है हमारा खेत हमको दे दो बोलेंगे। इस पर वो कह रहा है कि भैया ऐसा है खेत को हम जोताए थे 300 रुपया दे दीजिए। हमने कहा ऐसा है खेत तुमको जब दिए थे अच्छे से दिए थे, पूरा चौकोर था वहाँ तक पूरा मिट्टी, ये देखिए वहाँ मिट्टी पूरा पड़ा हुआ था, ऐसा करो मेरा खेत जो है डाल दो, जिस तरह से मेरा खेत था चौकोर ऐसे करके दे दो, अपना पैसा ले लो। उसने ऐसा नहीं किया, फिर हमने कहा साहब हमारा खेत अब तुम नहीं करो, कोई बात नहीं हमारा खेत हमको दो, हम बोते हैं। बुआई किया, देखो आप कहीं अभी तक कोई बीज अंकुरण हुआ नहीं है, सब वैसे ही हैं, बगल में खेत बोया गया यहाँ भी कुछ अंकुरण नहीं हुआ है, उधर भी आसपास अभी कुछ हुआ नहीं है, किसी के खेत में अभी जमा नहीं है, अभी वैसे ही है, देखते हैं कब होता है, शायद जब इनका शुरुआत होगा, इनका जब शुरुआत होगा तो मेरा भी होगा,
क्योंकि एक दो तीन चार चार खेत एक दिन बोए गए थे, तो चारों दिन खेत में खाद भी एक दिन पड़ा था और सिंचाई भी लगभग उसी ही दिन होगी। तब क्या हुआ, तब आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने कहा ऐसा है, खेत में पहले पानी चलाया जाए फिर जुताया जाएगा। पानी चलवाने गए, जिसको मैंने दिया था उसका खेत वहाँ पे है क्या कि जिसको मैंने दिया था उसके खेत में बोरिंग लगा हुआ है। बोरिंग मतलब कि पंप सेट, इंजन से पानी चलता है तो उसी से पानी सबके खेत में मिलता है। उसने क्या किया, कहा भैया हमारी बोरिंग से पानी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों, कहा भैया आपने मेरा 300 रुपया नहीं दिया इसलिए हम नहीं चलाने देंगे। हमने कहा ठीक है दुश्मनी कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहीं रहोगे, यहीं जरूरत पड़ेगी, पानी मेरा चलेगा, हम दूसरे यहाँ से पाइप चलाने की व्यवस्था कर लिए। हाँ, बहुत देर सोचने के बाद कहा ऐसा है, बोल दीजिए क्या करना है, बोल दीजिए दुश्मनी नहीं करना। हम कहा हाँ कर लो भाई, हमारे लोग दुश्मनी हमें नहीं करते, हमारे कोई दुश्मन नहीं, तो तुम दुश्मनी कर रहे तो कर, 300 रुपया भी ना, काम तुमने बिगाड़ा, खेत मेरा बिगाड़ा तो बनाएगा कौन, तुम ही होगे। कहा ठीक है। उसकी औरत आई और कही भैया ऐसा है पानी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हाँ आपने गलती किया है तो गलती का आपको सज़ा मिले, हम सज़ा नहीं दे रहे हैं, हम तो ये कहते हमारा खेत जैसा था वैसा खेत करके दो, मिट्टी बह गया तो बह गया, करी नहीं मिट्टी, हम लोग बहुत पाटा नहीं, मिट्टी पटाए बहुत पाटे, पाटा नहीं तो क्या करें, हमको नहीं पाटे नहीं पटा कोई बात नहीं, कम से कम मेरा खेत मुझे वैसा ही तो दे दो, क्या क्यों मैं सही, मैंने सही कहा, अगर सही कहा तो बताइएगा कि अगर मैंने इससे कहा कि अगर खेत मेरा 5 साल से तुम ऐसे कर रही हो, वहाँ से जहाँ से खेत मेरा पहले था वहाँ से पहले से ही वहाँ तक खेत था, लेकिन पहले से मेरी मान के कर रहे हैं, वो उतना दूर खेती नहीं हो रही है, तो कहे 5 साल से होंगे, 5 साल से तुम्हें कहना चाहिए कि भैया नहीं कर पाने दे दो। कहे हाँ हाँ गलती, हम कहे हाँ जब गलती है तो जब मान ली गलती को तो मेरा खेत वापस कर दो, हम इस बार बोएंगे। मैंने पानी चलाया, पानी चलाना विरोध नहीं दिखाया, पानी चलाया उसके बाद खेत की जुताई हुई, बोआ गया, आज लगभग हाँ 5-7 दिन हो गया, अभी तक अंकुरण नहीं हुआ। फिर ऐसे ही रोज आते रहेंगे, अंकुरण जब तक नहीं हुआ तब तक मैं आता रहूँगा, जब अंकुरण होगा इसमें बीज जब पौधे बन जाएंगे तब जाके मुझे चैन आएगा कि आज मेरा मेहनत सफल हुआ। चलते हैं, आज बाजार है, झोला लेने पहले ले लिया, चलते हैं बाजार करने से, जाए ऐसे जाना पड़ेगा बहुत दूर से, आज बाजार लगी हुई है, बाजार वहाँ पे लगती है जहाँ पे बार बार मैं दिखाता हूँ कार्यालय के पास। नहीं मिलेगी बाजार, जिस दिन होता है उस दिन ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं, और वैसे बाकी रोड लोग लगे रहते हैं सब्जी देने के लिए। अरे राम, नहीं फोनो नहीं उठल ना, वीडियो शूट कर, पता नहीं मन नहीं कर रहा क्यों लेने के लिए बैगन, जो ले लिया ठीक है, आंवला ले लिया, आंवला खाएंगे मौज आएगा। तो बाजार में हमने आलू गोभी अभिषेक जी मिल गए हैं, इनके पास सुबह मैंने फ़ोन किया उठा नहीं पाए, बोले माता जी फोन कर रहे हैं नहीं उठा पाए, अभी मिले नहीं, ऐसा नहीं है हैं, लेकिन क्या करें थोड़ा सा, मेरी माता जी कॉल कर रही थी, मेरी माता जी बात कर रही थी कॉल पे जब उस दौरान, जब कोई बात नहीं, माता जी आपकी फ़ोन कर रही थी इसलिए उठ नहीं पाया, अभी आप मिल गए ना तो बहुत अच्छी बात है। टमाटर कैसे बा, 30 का 40 का 30 से 40 हाँ 30 लगाओ, दे आधा किलो गोभी कैसे बा, 20 रुपया एक किलो गोभी दो, आधा किलो टमाटर 15 रुपया है ना, 15 आइए वाला, आइए वाला, अरे भाई देसी गोभी आ गए, कितना भाईल, कितना भाईल, 25 ना, एक किलो गोभी भी, गोभी का भाव 20 रुपये आज, हमने कहा 1.5 किलो दे दो। अरे राम हो, पार करे पड़त भाई, पूरा खाली रहता है,
जानवर ना आए, इसलिए यहाँ पर बांस लगा दिया गया है, क्योंकि आते हैं वो सब बीट करते हैं, अब बीट करना अच्छा लगता नहीं है। वैसे अगर पक्षी चिड़िया अगर बीट करती है तो उसको बीट कहा जाता है, लेकिन पशु अगर बीट करता तो क्या कहते हैं, गोबर। हाँ गोबर ही कहते हैं, और क्या कहेंगे। और उनके करने से क्या होता है, उनके करने से जो लोग आते जाने वाले हैं उनके पैर में लग जाता है, कभी कभी ये गिर भी जाते हैं। लाइट भी चकचक कर रहा है। सात बज गए। ये लो सब्जी। अच्छा यहाँ आलू 20 रुपये आज, गोभी आलू भी 20 रुपया, आलू 20 रुपया, गोभी 20 रुपया, बढ़िया वाला। टमाटर 40 मेगा भोजन। और अभी मैं भोजन करके फिर मेरे विश्राम का समय हो जाएगा। दूध ले चलता हूँ, करवा देंगी। सो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बखैर।